નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો મજામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ વિષય હિન્દી જે દ્વિતીય સત્રાંક પરીક્ષા છે એનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન કરીશું એના પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે હજુ સુધી આપણે આ સૌની ચેનલને ન હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો જેથી કરીને આવનાર દરેક વિડીયો આપણે અપડેટ થતા રહે તો જોઈએ પેપર સોલ્યુશન ત્યાં પ્રશ્ન એકનો અ સહી વિકલ્પ ચૂન કર ઉત્તર લખીએ અહીંયા વિકલ્પો આપેલા છે ये मो प्रश्न जो है साचा उत्तर है ये आपड़े यहां विकल्प ने पसंद करवानो छे जवाब लिखवानो छे जेमा चार गुण छे एक किस, किसे हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं तो जवाब आसे को सामख्याली बी विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे यह उक्ति किस ग्रंथ की है तो जवाब आसे ड बाइबल 3 शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के खाली जगह के प्रतिरूप था तो जवाब आकाम कर्म अ चार बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबों पर आगल वाक्य पूछे तो जवाब आ विश्वास करना न छोड़ देना ब प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए एक घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में क्या विचार आया तो घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में ये विचार आया कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए बे शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे तो जवाब अधिकारों की अपेक्षा में कर्तव्यों के अधिक महत्व देते थे चार पे प्रश्न त्रो भूज में क्या क्या देखकर हम आनंद ले सकते हैं तो आयना महल प्रयाग महल टावर हिल गार्डन विश्वविद्यालय आदि चार खड़क सिंह ने मुलाकात खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया तो प्रश्न उत्तर से बाबा ने त्रस्त खाकर उस अपिश को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे सहसा एक अप, सहसा उस अपिश ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह कोड़े, कोड़े को ले भागा वह अपाही कोई और नहीं डाकू खड़क सिंह ही था इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया एनापचीनो प्रश्न 2 निम्नलिखित परिषद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए तो यहां तुम्हारे जो फकरो छे फकरो पांचवा नो छे और ए फकरो वांची और પછી તમારે અહીંયા નીચે આપેલા એક થી 5 પ્રશ્નો જે છે तो यहाँ जो अपने प्रथम जो प्रश्न है हम हम पर किस किस का ऋण है तो उत्तर था से हम पर माता मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है बी माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए तो उत्तर था से हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है त्र किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है तो मातृभाषा की सेवा का व्रत करना व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है चार किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता जो का कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे नहीं कहा जा सकता को उपयुक्त शीर्षक दीजिए तो मातृभाषा अथवा तो पी तेन देशभक्त तरीके शीर्षक आप सको एना पी प्रश्न त्रन उपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए તો અહીંયા જે મુદ્દા આપ્યા છે એ મુદ્દાના આધારે તમારે વાર્તા લખવાની છે તો અહીંયા તમને સ્ક્રીન પર દેખાય છે એ રીતે તમે એ વાર્તાને લખી શકો છો જલ્દીથી સ્ક્રીન શોટ લઈ લો અથવા તો પછી વિડીયોને સ્ટોપ કરીને પણ લખી શકો છો એના પછી પ્રશ્ન ચાર નિમ્નલિખિત પરિષદ કા ગુજરાતી મેં અનુવાદ कीजिए તો અહીંયા જે ફકરો આપેલો છે એ તમારે વાંચવાનો હશે અને એમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો હશે તો એ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીંયા સ્ક્રીન પર દેખાય છે એ રીતે તમે એનો વાત કરી અને લખી શકો છો જે ચાર ગુણની અંદર છે અને પણ સ્ક્રીનશોટ પછી સ્ટોપ કરીને તમે લખી નાખશો એના પછી પ્રશ્ન પાંચ નીચે દીયે ગઈ કાવ્ય કો પૂર્ણ કરકે લીખીએ માં ખાદી કી જદર દીધો મેં ગાદી બનજાવું ગા તો અહીંયા આ કાવ્ય પંક્તિ છે આપેલી છે એ પ્રમાણે તમે લખી શકો છો બરાબર છે

अपने की हुई अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र पत्र लिखिए तो यहां तुमने स्क्रीन पर देखा है ये विद्यार्थी मित्रों तुम्हें आ ये पत्र से लिख सको हो तुम्हें कोई प्रवास કર્યો हो એના વિશે વર્ણન કરવાનું છે એના પછી પ્રશ્ન 8 निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ कीजिए तो यहां पंक्ति આપેલી છે એનો તમારે पंक्ति છે अभी रात हो अभी रात तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है तो अँ जो अनु का भावार्थ है यहाँ पेलो ते जी सको ये रीते रह से, बराबर तो यह उत्तर था लोगों में समानता की भावना फैलाने के लिए अभी सिर्फ शुरुआत हुई है उसका लक्ष्य बहुत दूर है उसके लिए बहुत प्रयत्न करने होंगे बिजली रोशनी सिर्फ धनी लोगों के घरों में ही है गरीबों की दीपक का ही उजाला है तो आ रीते तुम्हें तो लखी सको सो बराबर से एना नीचे दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करोगे

निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए फूट फूट कर रोना तो बहुत रोना टूटने पर महेश फुट -फुट कर रोने लगा निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर उसमें उसे समझाए चार दिन की चांदनी अंधेरी रात सुख या दुख कुछ समय के लिए ही होते हैं प्रश्न अग्न दिए गए शब्द को शब्द को लिखिए

रेखाकित विशेषण का प्रकार बताइए तो चालीस ए निश्चित वाचक शब्द थे जी विशेषण थे तर वह जा रहा है वह आ रेखाकित शब्द है नो सर्वनाम प्रकार तो आनन्य पुरुष सर्वनाम चार हिमालय ऊंचा पर्वत है तो ऊंचा तो गुणवाचक विशेषण थे पी सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए एक यह पुस्तक किसने मंगाई रेखांकित शब्द रेखांकित पद सर्वनाम का कौन सा प्रकार है किसने तो ऐसे प्रश्नवाचक बराबर से बी शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण को तो शक्तिसाली तीन पानी मिट्टी पत्थर आदि किसना के तो द्रव्यवाचक इननपसी 3 4 जो सोचेगा वो सोखोएगा जो खाए जो जाएगा जागेगा वो सो पाएगा किस सर्वनाम के उदाहरण है तो जवाब संबंध प्रश्न तो प्रश्नतेर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निमन लिखिए आठ गुण एक यदि मैं शिक्षक होता तो फूल की आत्मकथा और पुस्तक हमारी मित्र तो अँ त्रो मे कोई एक विषय पर निमन लिखवा है अँ प्रथम यदि मैं शिक्षक होता तो विषय एमंध आप लखी सको तो आ रीते आ पेपर न सोलूशन रहे विद्यार्थी मित्रों जो वीडियो गमे हो तो लाइक करजो शेयर करजो और चैनल ने सब्सक्राइब करने भूलता नहीं जेने विद्यार्थी मित्रों दरक विडियो आपने अपडेट तक रहे थैंक यू विद्यार्थी मित्रों